नमस्कार, आपके पाठ्यक्रम 505 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का संगठन कैसे किया गया है। पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तकें बनी हैं, उन पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो प्रस्ताव किए गए, उन प्रस्तावों के आधार पर जब पाठ्यपुस्तकें बनी, तो पाठ्यपुस्तकों में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का संगठन प्रकरण अर्थात थीम के आधार पर किया गया, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन का थीम आधारित संगठन कहते हैं। और आज इस थीम आधारित संगठन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये थीम आधारित दृष्टिकोण क्यों रखा गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में यह निर्धारित किया गया कि विषय वस्तु का संगठन थीम आधारित हो, लेकिन ये थीम प्रकरण आएंगे कहां से? ये प्रकरण इस प्रकार चुने जाएं जो बच्चों के अनुभवों, परिदृश्यों और दैनिक जीवन पर आधारित हों, अर्थात ये प्रकरण वो हों जो बच्चे अपने चारों ओर देखते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। ये प्रकरण किसी विषय से जुड़े अदृश्य प्रकरण या अमूर्त प्रकरण नहीं होने चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी जब प्रकरण आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को संगठित करने के लिए। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रकरणों के साथ साथ जो उपप्रकरण चुने जाएं, वे उपप्रकरण भी विज्ञान या सामाजिक विज्ञान से ना चुने जाएं, वे इस प्रकार चुने जाएं जो गहराई से प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उभार सकें। एक और चुनौती थी, विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि ग्रामीण और शहरी परिवेश के बीच सामंजस्य हो। विषय वस्तु केवल ग्रामीण परिवेश से या केवल शहरी परिवेश से नहीं हो, विषय वस्तु में लैंगिक समानता और संवेदना भी हो, विषय वस्तु में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का भी समावेश हो, धर्म, भाषा और भौगोलिक वितरण के बीच भी सामंजस्य रखा जाए। ये बड़ी चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों को ही मूल बिंदु माना गया, इनको ही वो आधार बिंदु माना गया जिनको आधार बनाकर प्रकरणों का निर्धारण किया गया। ये प्रकरण आधारित दृष्टिकोण हमने चुना क्यों? हमने प्रकरण आधारित दृष्टिकोण शायद इसलिए चुना क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो विषय वस्तु है वो संप्रत्ययों पर आधारित नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पर आधारित नहीं है, वो थीम पर आधारित है, एक प्रकरण पर आधारित है। और प्रकरण का चयन इसलिए किया गया है ताकि बच्चे, जो कम आयु के बच्चे हैं, कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वे बच्चे भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की आलोचनात्मक समझ विकसित कर सकें। इस आलोचनात्मक समझ उनमें विकसित हो भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकरणों का चयन किया गया। साथ ही प्रकरणों के इर्द गिर्द जो संभावित संबंध और अंतर संबंध हैं, उन संबंधों को भी प्रस्तुत किया गया है। इसको समझने के लिए आप एक ही थीम, एक ही प्रकरण पर कक्षा 3, 4 और 5 तीनों कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें एक साथ रखें और फिर जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसके आधार पर उनका विश्लेषण करते चलें, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो विषय वस्तु है वो बच्चों से प्रारंभ होती है, बच्चों के स्वयं से, स्व से प्रारंभ होती है, फिर वो परिवार तक जाती है, फिर पास पड़ोस तक जाती है, फिर उनके क्षेत्र या राज्य तक जाती है, फिर देश के बारे में उनकी समझ विकसित होती है। क्योंकि देश उनके लिए एक अमूर्त संप्रत्यय, उनके लिए वो, उनका मोहल्ला, उनका परिवार, उनका पास पड़ोस, वो मूर्त संप्रत्यय, तो हमें वहां से आगे बढ़ना है। प्रकरण आधारित दृष्टिकोण शायद हमने इसलिए चुना और इसीलिए चुना कि प्रकरण को संकायों और विषयों की परंपरागत सीमाओं से परे जाकर सहभागी रूप से प्राथमिकताएं पहचानने में सहायक हो, इसके लिए हमने प्रकरण आधारित दृष्टिकोण चुना। ज्ञान के समन्वित स्वरूप को महत्व दिया गया, ना कि किसी तथ्य, किसी घटना या किसी नियम के स्मरण पर। यदि आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु देखेंगे तो कई बार इस पर वाद विवाद हुए हैं कि विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है
वो या तो तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों पर आधारित होती है या तिथियों और घटनाओं पर आधारित होती है, और बच्चों को उनका स्मरण करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो बच्चों को रटंत ज्ञान न दिया जाए तथ्यों, घटनाओं और नियमों का, वरन वे ज्ञान का समन्वित रूप से निर्माण करें, समग्र रूप से उसको देखें। इसको ध्यान में रखते हुए प्रकरण आधारित दृष्टिकोण को चुना गया। यदि आप पर्यावरण अध्ययन के मुख्य प्रकरणों पर दृष्टि डालें और आप उन पाठ्यपुस्तकों को देखें, तो आप पाएंगे कि प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो सामान्यतः 6 प्रकरणों में बटी हुई हैं। पहला प्रकरण या पहला शीर्षक या पहला थीम है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आवास, चौथा है जल, पांचवी है यात्रा या आवागमन, और छठा है वे वस्तुएं, वे चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं। इसमें भी जो पर्यावरण और मित्र की थीम है, परिवार और मित्र की थीम है, यदि आप कक्षा 3, 4, 5 की पुस्तकों में इससे संबंधित पाठों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां इस थीम के, इस प्रकरण के अंदर भी 4 उपप्रकरण सम्मिलित हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों के आपस में संबंध, मित्रों के साथ संबंध, अर्थात संबंध एक सब थीम है, कार्य और खेल जो हम अपने साथियों के साथ घर में जो कार्य करते हैं, समाज में जो कार्य होते हैं और हम जो खेल खेलते हैं, ये भी इसकी एक सब थीम है। जंतु और पौधों को भी परिवार और मित्र थीम के अंदर ही रखा गया है। भाव देखें कि जंतु और पौधे हमारे मित्र हैं, यहां पर भावात्मक संगठन भी है। जंतुओं में हमारे पालतू जंतु कौन से हैं, उनसे हमें क्या लाभ होते हैं, पौधे हमारे किस काम आते हैं, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, यदि वनों को काटा जा रहा है तो उससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, ऐसी विषय वस्तुओं को संबंधित किया गया। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 मुख्य प्रकरणों के इर्द गिर्द सम्मिलित किया गया है, जो है परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा या आवागमन के साधन और चीजें जो हम बनाते या करते हैं, और जो परिवार और मित्र का प्रकरण है, वो जो थीम है, उसको हमने 4 उपप्रकरणों में बांटा है, संबंध, कार्य और खेल, जंतु और पौधे, और ये सारे उपप्रकरण एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पाठ हैं, एक संबंध पर पाठ है, एक खेल पर पाठ है, अरे खेल होगा तो आपसी संबंध विकसित होंगे, कार्य है वहां भी संबंध है, जंतु पर कोई अलग से पाठ नहीं है, पौधे पर कोई अलग से पाठ नहीं है, वो सब समन्वित रूप से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करता हूं। मैंने यहां एक उदाहरण लिया है, एक प्रकरण चुना गया है जल। यदि आप उस प्रकरण को देखें तो मैंने 3 प्रकार के दृष्टिकोण यहां प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यदि जल प्रकरण की विषय वस्तु को आपकी विज्ञान की दृष्टिकोण से देखनी होती तो आप उसमें क्या क्या समाहित करती, और यदि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में यदि जल का पाठ होता तो उसमें क्या होता, जल के गुण, जैसे उसके स्वरूप, उसका रंग, उसकी गंध, उसका स्वाद, जल की शुद्धता, जलीय जीवों का वर्गीकरण, उनके लक्षण, अनुकूलन, वायु में नमी, जल में अशुद्धियां, शुद्धिकरण के उपाय, जल प्रदूषण, जल जनित रोग, उनके कारण आदि आदि, ये विज्ञान की दृष्टि होती जल को देखने की। एक सामाजिक विज्ञान विषय वाले की दृष्टि क्या होती जल को देखने की, जरा उसको देखें। यदि सामाजिक विज्ञान में जल प्रकरण होता तो हम बात करते जल के स्रोतों पर, उनके वितरण पर, दैनिक जीवन में जल की आवश्यकता पर, जल की उपलब्धता पर, जल संरक्षण के अभियानों पर, कृषि में जल की क्या उपयोगिता है, जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है, जल स्रोत या तटीय स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है, अर्थात जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है, जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन शैली कैसी होती है, क्या उनमें कोई अंतर होता है, अर्थात सामाजिक विज्ञान की दृष्टिकोण सामाजिक होता है। लेकिन यही प्रकरण जब पर्यावरण अध्ययन में लिया गया तब क्या हुआ, जब पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु प्रारंभ हुई तो कहां से प्रारंभ हुई, बच्चा जल के अनुभव, जल का अनुभव बच्चा कहां से करता है, परिवार में जल के उपभोग से, स्नान में क्या उपयोग हो रहा है, पीने में क्या उपयोग हो रहा है, खाना बनाने में क्या उपयोग हो रहा है, बर्तन, तो जल का पहला अनुभव तो बच्चे को परिवार में ही होता है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु उस अनुभव से प्रारंभ हुई है, परिवार में जल का उपयोग और उपभोग, जंतुओं और पौधों को जल की आवश्यकता,
यदि आवश्यकता है तो जल की कमी, तो जल की कमी और जल की अधिकता की बहुत सारी कहानियां हैं, फिर जल संरक्षण के व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयास, और यदि आप विषय वस्तु को देखेंगे तो जहां जल संरक्षण के उपायों की बात हुई है वहां बाउली की बात हुई है, बाउली राजस्थान में निर्मित होती थी, स्थानीय प्रयास है, बांधों की बात हुई है, कुओं की बात हुई है जो बच्चे अपने चारों ओर के परिवेश में देखते हैं, तो जल संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों की बात बाद में हुई है, सामाजिक प्रयासों की बात पहले हुई है, व्यक्तिगत प्रयासों की बात पहले हुई है, जीवन में जल का क्या स्थान है, जल के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, जल में कितने प्रकार की क्रीड़ाएं की जाती हैं, और जल जनित रोगों के कारणों की बजाय जल जनित रोगों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इस पर ज्यादा बल दिया गया है। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब हम प्रकरण आधारित विषय वस्तु संगठित करते हैं, और जैसा कि पर्यावरण अध्ययन विषय में की गई है, तो विज्ञान का दृष्टिकोण एक सीमा है, सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण की एक सीमा है, लेकिन जो संगठित दृष्टिकोण है, जो पर्यावरण अध्ययन का दृष्टिकोण है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनुभव से प्रारंभ होता है। यदि आप वहां देखें जल के गुण एक संप्रत्यय, जल के स्रोत एक संप्रत्यय, वहां विषय वस्तु संप्रत्ययों से प्रारंभ हो रही है, और परिवार में जल का उपयोग एक अनुभव है, यहां अनुभव से विषय वस्तु प्रारंभ हो रही है। ये अंतर है विषय आधारित दृष्टिकोण में और संगठित दृष्टिकोण में, और आपको ये अंतर समझने का आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप ये अंतर समझ पाएंगे तभी आप पर्यावरण अध्ययन में जो विषय वस्तु पाठ्य पुस्तकों में संगठित है उसको उस रूप में विद्यार्थियों तक पहुंचा पाएंगे, न कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में। जो प्रकरण आधारित विषय वस्तु है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जो प्रकरण आधारित विषय वस्तु है वह बच्चों के अनुभव से आती है, विषय वस्तु का निर्धारण बच्चों के अनुभव से होता है, और कौन से अनुभव, जो उसके जीवन अनुभव है। फिर धीरे धीरे प्रयास किया गया है कि उसकी समझ को बढ़ाया जाए, उस संकेंद्रित घेरे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स को धीरे 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 बड़ा किया जाए, पहले बच्चे को जो पता है उसके आसपास के अनुभव दिए, फिर वो थोड़ा बाहर निकलकर समाज में क्या अनुभव कर सकता है वो अनुभव दिए, फिर और ज्यादा अनुभव, तो अनुभवों को संकेंद्रित घेरों के व्यास को आकार को बढ़ाते हुए हम चलते हैं। इस प्रकार से विषय वस्तु को संगठित की गई है। एक बात और अब देखिएगा, यदि आप कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक एक साथ रखें तो देखें कि प्रकरण समान है, अर्थात जल प्रकरण पर कक्षा 3 में भी पाठ मिलेगा, 4 में भी पाठ मिलेगा, 5 में भी पाठ मिलेगा, आवागमन पर कक्षा 3 में भी पाठ मिलेगा, 4 में भी पाठ मिलेगा, 5 में भी पाठ मिलेगा, अर्थात प्रकरणों की समानता है, लेकिन विषय वस्तु की समानता नहीं है। विषय वस्तु में निरंतरता है, विषय वस्तु में अंतः संबंध है, वो निरंतरता और अंतः संबंध आवश्यक है। यही सुंदरता है पर्यावरण अध्ययन के संगठित विषय वस्तु की, जो कि प्रकरण आधारित विषय वस्तु है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, यदि आप मेरे आसपास के काम जैसे विषय देखें, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक को देखें, तो आप देखेंगे कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में हमने बात की है विभिन्न पेशों की, काम के समय और फुर्सत के समय हम क्या करते हैं उसकी, घर के अंदर और बाहर काम की, लिंग की, आयु की, जात की क्या अवधारणा है, कामकाजी बच्चे कौन होते हैं, हम कौन से खेल खेलते हैं। कक्षा 4 में हम खेल खेलने के स्थान पर खेल में मजे की बात करने लगते हैं, विद्यालय में कौन से विभिन्न खेल खेले जाते हैं, देखो घरेलू खेलों से हम कहाँ बढ़ गए विद्यालय के खेलों पर, सामाजिक तोलमोल के रूप में खेल कैसे प्रयोग होता है, खेल में कभी कभी लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, खेल में नियम कैसे बनाए जाते हैं, खेल का विचार क्या होता है, साथ ही हम उनको ये भी संवेदित करते हैं कि खेलों पर रोक क्यों लग जाती है, क्या लिंग वर्ग और जाति के आधार पर खेलों में कोई प्रभाव पड़ता है, खेलों के साथी कौन होते हैं। जब हम कक्षा 5 में जाते हैं तो हम सामूहिक खेलों की बात करते हैं, बच्चों में नेतृत्व क्षमता में विकास की बात करते हैं, खेलों में दल के प्रति वफादारी की भावना विकसित हो, परंपरागत खेल स्थानीय खेल क्या हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं वो खेल क्या हैं, स्थानीय और परंपरागत युद्ध कलाएं क्या हैं, खेल के अभ्यास की खास दिनचर्या क्या होती है। अर्थात एक खेल को हमने कक्षा 3, 4 और 5 में जब रखा है तो किस तरह से अलग अलग प्रूफ से रखा है, इस प्रकार आप जरा तुलना कीजिए और आप देखिए कि विषय वस्तु को किस प्रकार से क्रमिक रूप से संगठित किया गया है। प्रकरण आधारित विषय वस्तु की एक और खूबी होती है, यह निर्देशात्मक नहीं होती, इसकी रूपरेखा विचारोत्तेजक है।
जब मैं ये बात कहता हूँ कि इसकी रूपरेखा निर्देशात्मक नहीं है, विचारोत्तेजक है, तो निर्देशात्मक का अर्थ ये है जहाँ आप उनको कुछ विषय वस्तु दे रहे हैं और उस विषय वस्तु को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब हम विचारोत्तेजक रूपरेखा की बात करते हैं तो उनको कुछ ढूंढने के लिए विवश किया जा रहा है, उनके विचारों से उसको जोड़ा जा रहा है। यह विषय वस्तु प्रकरणों उप प्रकरणों के बीच जो संभावित कड़ियां हैं, जो संभावित संबंध हैं, उनकी ओर इशारा करती है। इसीलिए प्रकरण आधारित विषय वस्तु अवधारणा से प्रारंभ नहीं होती, संप्रत्यय से प्रारंभ नहीं होती, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, यह हमेशा प्रश्न से प्रारंभ होती है। और प्रश्न कौन से? जो बच्चों के मन में उठते हैं, प्रश्न वो नहीं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। प्रश्न बच्चों के महत्वपूर्ण हैं, इसलिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को वो प्रेरित करे ताकि वो स्वयं क्या की खोज कर सकें, वो स्वयं क्यों की खोज कर सकें, और अर्थ निर्माण के उनको अवसर देने चाहिए। इस प्रकार के प्रकरण की बात, इस प्रकार प्रकरण आधारित विषय वस्तु की बात पर्यावरण अध्ययन में की गई है। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, एक विषय वस्तु है, एक प्रकरण है आवास या आश्रय। ये हमने क्यों रखा? हमने इसलिए रखा क्योंकि हम बच्चों के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों को ढूंढने में और उसको समझने का उनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं। इसमें मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, पास पड़ोस क्या है, कुछ हमने द्विआयामी चित्र प्रयोग किए, कुछ नक्शों का प्रयोग किया गया है, मानचित्रों का, उनको दिशा बोध हो। इसमें प्रश्न किस प्रकार के हैं कि मेरे पड़ोस का नक्शा कैसा है, आपका विद्यालय कितना बड़ा है, ये किस प्रकार की इमारत है, क्या आप विद्यालय और अपनी कक्षा का एक मानचित्र बना सकते हैं, क्या आप अपने पड़ोस के आसपास के रास्तों को पता कर सकते हैं, क्या उन रास्तों का मानचित्र बना सकते हैं, क्या अपने घर से विद्यालय आने का, अपने घर से डाकघर जाने का, अपने घर से बस अड्डे जाने का आप एक चित्र बना सकते हैं, संसाधन क्या है, उनको चित्र बनाना है तो क्या करना होगा, उनको इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना होगा, पास पड़ोस के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना होगा, विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना होगा। तो सर्वेक्षण एक संसाधन है, एक विधि है, और उससे होगा क्या? उससे उनको दूरी का अंदाजा होगा, उनको जगहों की स्थिति का अंदाजा होगा, वो मानचित्र को अलग अलग दृष्टिकोण से बना पाएंगे। जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र वो अक्सर देखते हैं, ये राजनीतिक मानचित्र है, ये भौगोलिक मानचित्र है, ये खनिजों के आधार पर मानचित्र है, ये उद्योग धंधों के आधार पर मानचित्र है। तो मानचित्रों के विभिन्न आधार, विभिन्न दृष्टिकोण क्या होते हैं, उस कौशल तक पहुंचने के लिए ये प्रकरण एक आधार का काम करेगा। यदि वो अपने घर से पास की दुकान और घर के रास्ते का मानचित्र बना पाएंगे तो शायद वो जब शहर में जाएंगे तो शहर के मानचित्र को भी समझ पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को जब प्रकरण आधारित अर्थात थीम आधारित रूप पर संगठित किया गया है तो आपकी क्या भूमिका है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपको यह समझना है। अभी तक हमने बात की कि पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है वह अनुभव आधारित है, संप्रत्यय आधारित नहीं है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको बच्चों को अनुभवों से प्रारंभ करना है, अनुभवों पर अंत करना है, उनके अनुभवों का विस्तार करना है, उनको अवलोकन के अवसर देने हैं, उनको प्रयोग के अवसर देने हैं। जब आप ऐसा करोगे तब वो उस विषय वस्तु को समझ पाएंगे। दूसरा, प्रकरण आधारित जो विषय वस्तु है उसका संगठन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं से परे किया गया है, अर्थात वैज्ञानिक संप्रत्यय या सामाजिक वैज्ञानिक संप्रत्यय तो बाद में विकसित होंगे, पहले बच्चों के अनुभवों के आधार पर उनके संप्रत्यय निर्मित होने दीजिए। तो आप जो कक्षा में शिक्षण करें वो विज्ञान का शिक्षण या सामाजिक विज्ञान का शिक्षण होकर न रह जाए, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपको यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उस विषय वस्तु में एक सततता है, एक क्रमबद्धता है। कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में वो एक क्रमबद्ध रूप से संचालित है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कक्षा 3 में आप जो विषय वस्तु प्रदान कर रहे हैं वो कक्षा 4 की विषय वस्तु से उसका कोई संबंध ही ना रह जाए। ऐसे अनुभवों का संगठन तो आप नहीं कर रहे, यह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपको जब आप किसी विषय वस्तु का शिक्षण करें, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन करें, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वो प्रकरण जो आपने चुना है,
चाहे वो जल का प्रकरण है, चाहे वो आवास का प्रकरण है, चाहे वो हमारे करने वाली चीजों का, देखने वाली चीजों का प्रकरण है, कोई भी आप प्रकरण ले लीजिए, उस प्रकरण को रखने का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की अवधारणाएं विकसित करेंगे और किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करेंगे, कौन से क्रियाकलाप कराएंगे। ये क्रियाकलाप बड़े महत्वपूर्ण हैं, बिना क्रियाकलाप के पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण नहीं हो सकता। इसीलिए शीर्षक आधारित अर्थात प्रकरण आधारित संगठन किया गया है, थीम आधारित संगठन किया गया है। ये दो शब्द एक जैसे प्रयोग किए गए, कुछ पाठ्य पुस्तकों में आप देखेंगे उन्होंने थीम आधारित को हिंदी में शीर्षक आधारित कहा है और कुछ में इसको प्रकरण आधारित कहा है। बट ये जो थीम या प्रकरण का चयन है, ये चयन कहां से हुआ है? ये अनुभवों से हुआ है। यदि आप सारी थीम को देखें जो थीम हमने और इसमें की गई है, बच्चे क्या क्या अनुभव करते हैं, बच्चे अपने परिवार में परिवार के सदस्यों से अनुभव करते हैं, बच्चे अपने मित्रों से अनुभव लेते हैं, तो अध्ययन का मुख्य प्रकरण क्या है? परिवार और मित्र। और परिवार और मित्र में कौन कौन शामिल है? उसमें संबंध भी शामिल हैं, उसमें जंतु भी शामिल हैं, उसमें पौधे भी शामिल हैं। फिर बच्चे भोजन करते हैं, भोजन उनका अनुभव है, तो भोजन से जुड़े अनुभवों के माध्यम से भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोतों के प्रकार, तमाम तरह की विषय वस्तुओं का संगठन वहां किया गया है। बच्चे कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, तो आवास को एक थीम लिया गया, वो भी उनके अनुभव से जुड़ी है। जल को एक थीम लिया गया, उनके अनुभव से जुड़ी है। वो यात्रा करते हैं, विद्यालय जाते हैं तो यात्रा करते हैं, माता पिता के साथ जाते हैं तब यात्रा करते हैं, यात्रा आवागमन के साधन देखते हैं, तो आवागमन और यात्रा को एक थीम लिया गया है। और फिर जो वो चीज़ें वो करते हैं, जो वो बनाते हैं, जो वो देखते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको एक प्रकरण लिया गया है। तो इस परिचर्चा का उद्देश्य यही था कि आपको ये बताया जाए कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का संगठन प्रकरणों के आधार पर अर्थात थीम के आधार पर किया गया है। तो वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि थीम उनके अनुभव से जुड़ी है। यदि अनुभव से थीम जुड़ी है तो अनुभव से शिक्षण अधिगम भी जुड़ा होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी एक शिक्षक होने के नाते आपकी है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी है, आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के अनुभवों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, ऐसी विषय वस्तु ऐसे क्रियाकलापों का निर्धारण करें जहां बच्चे अधिक से अधिक अनुभव कर सकें, और जब वो अधिक से अधिक अनुभव करेंगे तब वो अपने अनुसार अर्थ का निर्माण करेंगे, अपने अनुसार संप्रत्ययों का विकास करेंगे। अपने अनुसार संप्रत्ययों के विकास की बात, जैसे मैं एक उदाहरण यहां लेता हूं, यदि आप मान लीजिए बच्चों को भोजन शीर्षक के अंतर्गत खाद्य पदार्थ पढ़ा रहे हैं, या भोजन के स्रोत का प्रकरण आपको पढ़ाना है, आप क्या करते हैं? आप बच्चों से कहते हैं भाई आपने जो जो भोजन करते हैं जरा उनका एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए। बच्चे सूची बनाते हैं, सुबह आप क्या खाते हैं, दोपहर में क्या खाते हैं, रात को, बच्चों ने सूची बनाई। ठीक है, छोटे समूह बना दिया, सब बच्चे अपनी अपनी सूची एक दूसरे से मिलाइए और सूची को बढ़ाइए, तो सब बच्चे मिलाकर सुबह क्या खाते हैं, सब बच्चे दोपहर में क्या क्या अलग अलग चीज़ें खाते हैं, शाम को क्या क्या अलग अलग चीज़ें, बड़ी सूची बना ली। कहा जरा इनको दो भागों में, दो आधारों पर वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए बच्चे कैसे कैसे करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे इसमें तरल पदार्थ कौन सा है और इसमें ठोस पदार्थ कौन सा है। एक आधार हुआ, एक संप्रत्यय निर्मित हुआ कि भोजन तरल और ठोस हो सकता है। कुछ करेंगे पौधों से क्या मिलता है, जंतुओं से क्या मिलता है, दूसरा हुआ, दूसरा संप्रत्यय विकसित हुआ, संप्रत्यय वो विकसित कर रहे हैं, आप केवल उनको अवसर दे रहे हैं। तीसरा, कौन सी चीज कच्ची खा सकते हैं, कौन सी चीज पकाकर खा सकते हैं, तीसरा संप्रत्यय विकसित हुआ। एक ही प्रकरण में आपने कितने प्रकार के संप्रत्यय विकसित कर दिए? यदि आप उसको संप्रत्यय के आधार पर, ठीक है आज हम शाकाहारी और मांसाहारी स्रोतों के विषय में अध्ययन करेंगे, तो उनकी चिंतन और सोच सीमित हो जाती, हमें उस सीमितता से उनको बाहर निकालना है, हमें उनकी सोच को विस्तार देना है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होने के नाते ये काम आपको करना है। मुझे आशा है कि ये परिचर्चा आपको पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकरण आधारित संगठन है उसको समझने में मदद करेगी। और यदि आप कक्षा 3, 4, 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें एक साथ रखेंगे, तो मैंने आपसे जिन बिंदुओं की चर्चा की
उन बिंदुओं को आप उसमें देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करिए, समझिए, ताकि आप जब कक्षा में इस विषय वस्तु के साथ उनको अनुभव दें तो वे अनुभव कोई थीम आधारित अनुभव हो, वो अनुभव कोई कॉन्सेप्ट आधारित, संप्रत्यय आधारित अनुभव नहीं हो। आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।